दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं। हम जो भी कंटेंट आप तक देते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होता है। हमारी जो भी रिसर्च होती है हमारी खुद की निजी रिसर्च होती है। आप जो करें खुद की निजी रिसर्च करने की बात करें। एक बहुत ज़रूरी सूचना है, हमारे चैनल या हमारे नाम से अगर कोई भी आपको पैसे क्रिप्टो का लेन देन करने को बोलता है, आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट दिलाने की बात करता है, तो वो कोई चोर है, स्कैमर है। हम या हमारा चैनल आपसे कहीं पर भी एक भी पैसा क्रिप्टो लेन देन करने को नहीं कहते हैं, तो ऐसे स्कैमर से सावधान रहें। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर XRP USDT के चार्ट पर, और ये USDT का चार्ट नहीं है, USD का चार्ट है, बिट स्टैम्प एक्सचेंज का चार्ट है। थोड़ा सा डेटा पीछे से मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज यहाँ पर बिल्कुल फाइनली इसको पूरी तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश करूँगा, इसके चार्ट को ऑपरेशन करने की कोशिश करूँगा। आप देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बनिस्बत फंडामेंटल के। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट है, और प्राइस जब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, उसके बाद ये धीरे 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 नीचे ही आता चला गया। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है कि प्राइस ऊपर के साइड जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ, जैसे कि अगर ये एक चैनल बना दिया जाए तो आप देखोगे प्राइस का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है। ठीक है, सिंपल वे में समझाऊंगा, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर हम एक लाइन को लगा देते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक लो ये बना और दूसरा लो इससे ज़्यादा था। यहाँ पर अगर इस हाई की बात करते हैं तो ये दो हाई इससे ज़्यादा है। तो इस तरह का अगर यहाँ पर एक चैनल को क्रिएट करते हैं तो XRP का प्राइस आप देखोगे एक चैनल में अराउंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको ऑफिशियली यहाँ पर लेवल्स लगा देते हैं जो बिल्कुल सटीक होते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर फंडामेंटल को अगर टेक्निकल के साथ मिक्स कर लेते हैं, देखो कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पर देखने को मिली हमें। देखो, XRP में कल भी एक बुलिश कैंडल बनी थी यहाँ पर, अगर आप देखोगे, और आज की कैंडल देखोगे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर पंप मिला XRP को। तो ये पंप क्या है, ये पंप फेक था या रियल था, इसके बारे में बात करेंगे। वीकली चार्ट को दोस्तों यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। अभी देखो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर XRP आपको एक चैनल में जाता दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से चैनल दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ गौर करना कि वीकली चार्ट पर इस पॉइंट से जो मार्च के महीने में एक लो बना था XRP का, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया ज़रूर है, लेकिन उतना अच्छे से यहाँ पर पंप देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी बेसिकली एक प्राइस चैनल में है प्राइस, तो यहाँ पर अभी क्या होना है क्या नहीं होना है, तो ये जब तक के चैनल का ब्रेकआउट ऊपर के साइड नहीं होगा तो बाई का कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो इस चैनल के ऊपरी लेवल पर एक सप्लाई जोन भी है, जिस जगह से प्राइस काफ़ी तेज़ी से शूट भी कर चुका है पिछले कुछ वक्तों में। ठीक है, तो इस जोन का ब्रेकआउट अगर होता है अपसाइड तो हमें ट्रेड करना है, हमें XRP में बाइंग करनी है। यहाँ पर जो भी अभी हुआ यहाँ पर कि एक पंप आया 15-16% का, XRP में लगभग 20% का पंप था आज सुबह के वक्त, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक है वो, क्योंकि देखो हमें वैसे भी जब हमें ट्रेडिंग करनी है तो इस चैनल को अगर हमने यहाँ पर क्रिएट किया तो हमें इस चैनल के अकॉर्डिंग ही चलना है, हमारे जो सपोर्ट्स हैं हमारे जो रेजिस्टेंस हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो यहाँ पर चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट आपसे ये बोल रहा है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया को टच करा है 2 बार, तो यहाँ पर हमें इस जोन को देखना है, इस जोन का जब ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ये जोन अब क्या आप बोलोगे कि लगभग ये, तो यहाँ से मैं अगर इसको देखता हूँ तो अगर मैं इसका मिडिल लेवल लगा देता हूँ, मिड में एक लेवल लगा देता हूँ, तो लगभग 0.84 के आसपास आ रहा है। ठीक है, जो कि XRP ने अपना पिछला हाई दिखाया था 0.78, उससे भी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस, देखो यहाँ पर जो रूल्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हमें बाइंग करनी है, तो ऑल टाइम हाई जो था XRP का वहाँ पर आपको प्राइस जाता दिख सकता है। ठीक है, पर जैसे कि मैंने कहा कि इस पॉइंट को अगर ब्रेक करेगा ऊपर के साइड तो XRP बुलिश हो जाएगा। देखो कि बड़ी जोन है, वीकली चार्ट है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो जो होगा देर से होगा, लेकिन हमें ट्रेड तभी करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखो, इसको रिएक्शन मिल चुका है, यहाँ से रिएक्शन मिल चुका है, 2 बार रिएक्शन मिल चुका है इस पॉइंट से, यहाँ पर पिछले बार रिएक्शन मिल चुका है, इस जोन से यहाँ पर रिएक्शन मिल चुका है। तो कितने रिएक्शन हमें मिल चुके हैं इस पॉइंट से, 1, 2, 3 और 4 चार रिएक्शन लगातार हमें इस जोन से मिल चुके हैं, जो ये जोन जा रही है रेड कलर की। ठीक है, तो ये काफ़ी एक ज़बरदस्त एक मजबूत रेजिस्टेंस है XRP के लिए। और फिर ऐसी न्यूज़ आना कि मतलब जो निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है XRP के प्राइस पर, और डाला भी है XRP के प्राइस पर, तो यहाँ पर समझने वाली बात होगी। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप XRP में भी एंट्री करें। अब काफ़ी लोगों ने किया क्या था, जोन वोन वगैरह कुछ देखते नहीं है, रेजिस्टेंस एरिया कुछ निकालते नहीं है और जाके टॉप पे बाई कर लेते हैं। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना कि हमेशा सपोर्ट पर बाई किया जाता है। इस तरीके के चार्ट को आप प्लॉट करते हो वीकली पे, डेली पे, 4 आवर्स पर, जब आपको सपोर्ट पे प्राइस, देखो यहाँ पर सपोर्ट पे आया था प्राइस,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गया था, तो यहाँ पर हमें बाइंग करना था, यहाँ पर जाकर ये ओवरबाउट हुआ और प्राइस नीचे चला गया। ये हो गई टेक्निकल लैंग्वेज। अब यहाँ पर कुछ भी न्यूज़ आती है तो दोस्तों हमें ध्यान रखना था। देखो न्यूज़ अगर आई भी थी, अगर आप गौर से देखोगे न्यूज़ आई भी थी, मैंने कई बार समझाया है, तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर आई थी। अगर न्यूज़ ना भी आती तो हो सकता प्राइस यहाँ से डंप कर सकता था, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था। इस सपोर्ट से प्राइस ने दूसरे सप्लाई जोन को तोड़ा था और इस सप्लाई जोन तक गया था, तो अच्छा खासा एक मूवमेंट आ चुका था, इसलिए यहाँ से प्राइस टूट के नीचे आ गया। बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। XRP की इससे ज़्यादा सरल अपडेट मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा सरल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ओपनली दिखा दिया, जो बाकी यूट्यूबर्स आपको इतना ओपन करके चार्ट को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, हमेशा बाइंग होती है सपोर्ट पर और सेलिंग होती है रेजिस्टेंस पर। अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया पर प्राइस गया तो हमें सावधान हो जाना था एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, और अगर हम सावधान नहीं होते, हम यहाँ कहीं पे बाइंग करते हैं तो उसका हमें सज़ा मिलना निश्चित है। इसीलिए लोग यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर दिए बिल्कुल इस हाई पॉइंट पर, तो इस रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस गिरा और आज तक वो XRP के प्राइस में फंसे हैं। लेकिन दोबारा XRP ने मौका दिया था यहाँ पर निकलने का, लेकिन फिर उनके मन में ग्रीड पैदा हुआ, लालच पैदा हुई और वो फिर फंसे। अभी भी उनके मन में लालच है और अभी भी देखिए प्राइस उसी एरिया के अराउंड यहाँ पर मूव कर रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, यहाँ से प्राइस जो भी पंप आया है आज के दिन, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक के देखो पंप आया ठीक अच्छी बात है, 20% 30% 40% 50% का भी पंप से हमें मतलब नहीं है, हमें इस जोन के ब्रेकआउट से मतलब है जो रेड कलर की जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती XRP बुलिश नहीं होगा, कहीं पर लिख कर रख लो। तो चलो दोस्तों मुझको याद दो, चलता हूँ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट अपडेट में मिलने की कोशिश करता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।